उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने यहां अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को यहां से बड़ी संख्या में अवैध हथियार और तमंचे बनाने के उपकरण मिले हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम बक्सरा में ट्यूबवेल के पास बाग से दो अभियुक्तों को चोरी की एक मोटरसाइकिल, 14 तमंचे, 4 कारतूस और अवैध हथियार बनाने के उपकरण मिले हैं। बताया जा रहा है दोनों अभियुक्तों पर आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ उदय यादव की रिपोर्ट। प्राप्त सूचना के आधार पर दृष्ट जिले ग्राम बक्सरा है, वहाँ पे ट्यूबवेल पर ये कार्य चल रहा था, तो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास 12 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे 15 बोर्ड, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर, बिना नंबर, ये उनके पास से रिकवर हुई है।